सुख के दीप जलें, घर आंगन में खुशहाली हो, बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का प्यार मिले, ऐसी आपकी दिवाली हो। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दीपावली के शुभ अवसर पर ये धमाकेदार वीडियो। बड़ा हो या छोटा, पापा हो या मम्मी, दिवाली पर पटाखे हर कोई एक ना एक तो फोड़ता ही है। अब चाहे वो छोटी बहन की फुलझड़ी हो या फिर बड़े भाई का एटम बम, फोड़ने में मजा तो आता है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि जिन पटाखों को आप फोड़ते हैं कि आखिर कैसे बनते हैं ये पटाखे और क्या क्या डलता है इन पटाखों में। तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुर्गा छाप मेकिंग प्रोसेस। चलिए, आपकी इस डिमांड पर हम पहुंच चुके हैं इस क्रैकर फैक्ट्री में, जहां ये माताजी कागज को रोल करके गोल शेप दे रही हैं। इस काम को एक नहीं बल्कि बहुत सी हमारी माताएं बहनें मिलकर यहां पर कर रही हैं, और वो भी बड़ी ही स्पीड के साथ। दनादन। अब इतना हो जाने के बाद इन पेपर्स पर कलर करके इनको इन बड़े से गोदामों में गठरियां बनाकर रख दिया जाता है, जिसके बाद हमारे ये भैया जी इन्हें इन कटर की सहायता से बड़ी ही तेजी से फटाफट इनको पटाखे के साइज में काटते हैं। साथ ही नीचे बैठी हमारी ये माताजी चीते की फुर्ती के साथ इनको इस फ्रेम में एक साथ इन्हें भरती हैं। वाकई इनके अंदर टैलेंट तो है, और इतनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं उसके लिए एक लाइक तो बनता है, नहीं तो ये माताजी नाराज हो जाएंगे। अब पटाखे बनाने की ये प्रोसेस आगे बढ़ती है, जहाँ ये बहन जी इन खाली पटाखों के अंदर बारूद को लगाकर इन बत्तियों को खाली पटाखों में बड़ी ही तेजी से डालती हैं। फिर पटाखे भरने के बाद इनको धूप में सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद अंत में इन पटाखों को ये माताजी बड़ी ही सावधानी के साथ धागे में बांध देती हैं। और यहाँ 20, 50 और 100 के पटाखे के पैकेट बनाकर पैक कर लिए जाते हैं, और कुछ इस तरह से तैयार हो जाता है मुर्गा छाप पटाखा। वाकई में दोस्तों, मैंने तो बचपन में ये बहुत ही ज्यादा फोड़ा है। आपने फोड़ा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जिस एटम बॉम्ब के लिए आप अपने मम्मी पापा से जिद करते थे, मम्मी 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 मुझे तो यही चाहिए, पापा मुझे तो यही चाहिए, आखिर उस एटम बॉम्ब को इन फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है, और साथ के साथ ही अपनी बचपन की यादों को भी ताजा करते हैं। अब इस एटम बॉम्ब की प्रोसेस को देखने के लिए हम पहुँचे हैं एटम बॉम्ब बनाने वाली फैक्ट्री में, जिसके अंदर चलते ही हमें दिखते हैं ये ताऊजी जो इन कागज की डिब्बियों में बारूद को भर रहे हैं। और यहीं से शुरू हो गया है एटम बम बनाने की प्रोसेस का ये सफर। ताऊजी बड़ी ही तेजी से इन डिब्बियों में बारूद भरते ही जा रहे हैं। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये माताजी इन डिब्बियों पर सुतली चढ़ाने का कार्य कर रही हैं, और यहाँ हमने देखा 6 से 10 लोग मिलकर बड़ी ही तेजी के साथ इस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली आने ही वाली है, इसलिए इस कार्य को थोड़ा तेजी से किया जा रहा है। और यहाँ हम बता दें, सुतली को इन डिब्बियों पर चिपकाने के लिए एक स्पेशल तरह की गोंद का भी प्रयोग किया जा रहा है, जो आप देख सकते हैं।
और सभी लोग अपने कार्य में मग्न हैं। अब जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक हरे कलर में इन सुतली बॉम्ब को डुबाया जाता है और सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है इस तड़कती धूप में। अब एक से दो दिन बाद एटम बॉम्ब सूख जाता है तो कार्य शुरू होता है इनमें पत्तियों को लगाने का, जिसके लिए हमने देखा ये लोग सुई की मदद से छेद करते हैं और बत्ती में बारूद का पेस्ट लगाकर बत्ती को इन एटम बॉम्ब के अंदर डाल देते हैं और अगले ही पल इन एटम बॉम्ब की ब्रांडिंग के लिए ये कवर भी लगा दिया जाता है। अब थोड़े टाइम तक सूखने के बाद इन एटम बॉम्ब को इन पैकेटों में पैक करके दिवाली के लिए आपके नजदीकी स्टोर की ओर रवाना कर दिया जाता है और लो जी तैयार है आपके बचपन के एटम बॉम्ब। जी हाँ, अब दोस्तों इतना तो हम देख चुके थे लेकिन अभी ये सफर खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अब हमारे मन में एक सवाल उठा कि वो पटाखे कैसे बनते हैं जो आसमान में जाकर फट जाते हैं और इसके साथ ही ये बताते हैं कि जनाब दीपावली आ गई है। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं ये स्काई शॉट्स। अब इसके लिए हम खोज पर निकल पड़े किसी स्काई शॉट्स फायर क्रैकर की किसी फैक्ट्री में और कड़ी मेहनत के बाद हमें मिली ये फैक्ट्री जहां फाइनली स्काई शॉट्स को बनाया जा रहा था। अब जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमने देखा एक रोलर पर गत्ते का पेपर चढ़ा था जो कि किसी कटर मशीन में जा रहा था और हम हैरान तो तब हो गए जब ये पेपर हमने देखा कटकर गोंद लग के खुद ही रोल हो जा रहा था। वाकई ये प्रक्रिया हमें काफी अच्छी लगी, शायद आपको भी ये प्रोसेस अच्छी लगी होगी। अब जैसे ही ये रोल मशीन से नीचे गिरते तो नीचे एक भैया जी बैठे थे, वो उन रोलों को उठाकर इस टब में डाल देते। अब इसके आगे हम ये देखना चाहते थे कि आगे की प्रोसेस कैसी होने वाली है, तो उसके लिए हमने थोड़ा इंतजार किया लेकिन हमने देखा कि एक साथ कई साइज के रोलों को बनाया जा रहा था और इनको बीच से काटा जा रहा था। जी हाँ, यहाँ हमें पता चला कि कई साइजों के यहाँ पर स्काई शॉट्स बनाए जाएंगे। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अंकल जी इन रोलों के अंदर बारूद भर रहे हैं और साथ के साथ ही जो स्काई बम ऊपर आसमान में जाकर फटेगा उसको भी यही ये लोग कुछ इस प्रकार से ठोक ठोक कर इसके अंदर डाल रहे हैं। और फिर ऊपर और नीचे से इनको कवर कर दे रहे हैं और अंत में की जा रही है इनकी ब्रांडिंग और ब्रांडिंग के लिए इस कागज का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे गोंद की सहायता से चिपका दिया जाता है इन स्काई शॉट्स पर। अब जनाब हमें ये भी पता चल गया कि आखिरकार कैसे तैयार होते हैं ये स्काई शॉट्स। बट दोस्तों मजा तो बहुत आया, अगर आपको भी मजा आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है मेरे दोस्त। अगर आप देखना चाहते हैं कि फुलझड़ी कैसे बनती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बट हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि गाइस प्रदूषण थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो इस दिवाली जरा पटाखे थोड़े कम ही जलाइएगा, ठीक है, और हमारी इस पृथ्वी की सुरक्षा कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक जरूर से कर दें। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डीपली अध्ययन को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का, बाय।